आज जब युवा शक्ति विभिन्न क्षेत्रों में अलग सोच के साथ आगे बढ़ रही है, इन्हीं में एक अवर्ण वत्स भी है जो न्यूजीलैंड में एक अच्छी नौकरी छोड़ गांव लौट आए हैं और अब मछली पालन कर रहे हैं। शुरुआती दौर में ही 50-60 लाख रुपए सालाना आय थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युवाओं से बात करते हुए यही कहते हैं कि इससे प्रभावित होकर अवर्ण ने अपने देश लौटने का फैसला लिया। पढ़ाई के लिए न्यूजीलैंड चले गए। मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री लेने के बाद 2017 में वहीं की एक बड़ी कंपनी ग्रिफिंग्स में फूड प्रोटेक्शन विभाग में प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए और अच्छी पैकेज और सारी सुविधाएं भी थी। लेकिन अवर्ण बताते हैं कि सब कुछ था, पर जब काम से खाली होते हैं तो अपने गांव और देश की बहुत याद आती थी और इसी दौरान मछली पालन के क्षेत्र में काम करने वाले वीर बहादुर सिंह से मुलाकात हुई। उनसे आइडिया मिला, इसे आजमाने का फैसला कर लिया और 2018 में नौकरी छोड़ न्यूजीलैंड से गांव वापस आ गए। इस फैसले से परिवार के लोग नाखुश थे, पर किसी तरह मनाकर उनको धरातल पर उतारने का प्रयास शुरू किया। अवर्ण ने मछली पालन के लिए तालाब खुदवाए, मछली के दाने के लिए अलग से 15 टैंक का निर्माण भी कराया। इनसे एक फायदा हुआ कि ये हमारे गांव में आए, हमारे नए पीढ़ी को रोजगार दिए। किसी नौकरी पे की अपेक्षा नहीं रही, अपना खुद का रोजगार कर रहे हैं और उनको भी सपोर्ट करने था। और अन्ना जी से यही फायदा है कि ये आए 10 लोग को और रोजगार दिए। लेबर लोग काम करता है, अगल बगल के जो बेरोजगार लोग हैं युवक, वो भी आकर के ट्रेनिंग देते हैं। अभी हमारे इलाके में बहुत तालाब हो गया देख करके, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में बचत कम है। अभी फिलहाल दाना का रेट बढ़ गया, फीडिंग खर्च ज़्यादा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है। बेटा का, बाप का सबसे बड़ा सपना होता है कि बेटा का लोग जाने, देखो ये फलाने के पिता जा रहे हैं। एनुअल प्रोडक्शन, जैसे मैं 90,000 बच्चों का स्टॉकिंग करता हूँ, तो 800 ग्राम पे अगर आप हार्वेस्ट करते हैं तो 9 कितना होता है, 9 × 8 = 72, तो 72 टन का प्रोडक्शन एक साइकिल में मेरा होता है। तो अगर मैं उसको 3 साइकिल में लेता हूँ तो 210 टन के आसपास मेरा प्रोडक्शन होता है एनुअली, मैं 3 साइकिल में करता हूँ। अगर लागत और इनकम की बात किया जाए तो इनकम कैसा रहा इससे? मैक्सिमम अभी इस साल कोरोना की वजह से तो सभी परेशान हैं, इसमें हम भी परेशान थे।